तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने फ़ोन में पबजी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो, करते आए हो, काफ़ी लंबे समय से कर रहे हो, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। नहीं कह सकते कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, जिससे कि ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में ओपन ही नहीं हो रहा है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हो। बहुत सिंपल है, मैं कैसे अपने पबजी एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ऑपरेट कर सकते हो, बहुत सिंपल है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चुपके से वीडियो देख लेते हो कि तो चैनल को नहीं कर रहा, सपोर्ट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। आ रहे हो कि मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ। मेरे दोस्त, अगर आपको ऐसा लग रहा है यार कि मेरे फ़ोन में पबजी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड तो है, लेकिन वो प्रॉपर मेरे फ़ोन में वर्क नहीं कर रहा है, प्रॉपर कह सकते हो कि आपको यहाँ पे अच्छी खासी स्पीड नहीं दे रहा है, या फिर कह सकते हो कि ये आपके फ़ोन में ओपन ही नहीं हो रहा है। मेरे दोस्त, आप इस एप्लीकेशन को काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कह सकते हो काफ़ी महीनों, काफ़ी सालों से आप सेम डिवाइस में इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। तो आज की वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ कि ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में कैसे वर्क करेगा, कैसे आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्व करना है इशू। तो सबसे पहले आपको करना क्या है मेरे दोस्त, देखिए यहां पे आपको इस एप्लीकेशन पर टैप करना है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन पर टैप करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहां पे आपको तीन ऑप्शन आएंगे, पहला आएगा ऐप इन्फॉर्मेशन, दूसरा आएगा अनइंस्टॉल, तीसरा आएगा शेयर। सिंपली आपको ऐप इन्फॉर्मेशन पर मेरे दोस्त क्या करना है, टैप कर देना। जैसे आप यहां पर टैप करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहां पर लिखा होगा स्टोरेज यूसेज। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं मेरे दोस्त, जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन को लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं तो जिसको स्टोरेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। जिससे होता क्या है कि अगर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की स्टोरेज बढ़ जाती है तो जो हमारा फ़ोन है, हमारी जो डिवाइस है, उस एप्लीकेशन को प्रॉपर ऑपरेट नहीं कर पाती है। तो सिंपल है, मैं आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको उसकी स्टोरेज क्लियर कर देनी। जैसे आप इस पर टैप करोगे स्टोरेज यूसेज पर, तो यहाँ आपको शो होंगे क्लियर कैच और क्लियर डाटा, यानी कह सकते हो आपको दो मेमोरीज शो होंगी, आपको दोनों मेमोरीज क्लियर कर देनी है। उसके बाद क्या करना है मेरे दोस्त, आपको बैक आ जाना है। और बैक आने के बाद सिंपली आपको आपके प्ले स्टोर पर चले जाना है। कहाँ जाना है मेरे दोस्त, आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है पबजी मोबाइल, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर आपको अपडेट का ऑप्शन आ रहा है तो अपडेट कर लीजिए, अगर अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, सिंपल प्ले का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली आप इसको ऑपरेट करिए, प्ले करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब ये आपके फ़ोन में प्रॉपर वर्क करने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।